हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। कुछ उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। नो कोसाइन को डायरेक्शन कोसाइन को हम डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं। ठीक है, रेशियो को वी सेड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, बट डायरेक्शन रेशियो को हम डायरेक्शन कोसाइन नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने आपको एक कंडीशन बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो को मैंने ए बी सी से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू वन होता है। ठीक है, यदि आपके पास डायरेक्शन रेशियो दिया है, इफ इफ वी हैव डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर ए बी सी, देन अगर ए बी सी किसी डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, तो हम इस डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में कैसे चेंज करते हैं, ये हम आपको मेथड बताते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, सेकेंड फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेकेंड हम फाइंड करेंगे ये। ठीक है, देन एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह एम हो जाएगा प्लस माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका हो गया। इसको हम एल डैश एम डैश एन डैश कह दें, इससे आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे जब आप एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर करेंगे, तो देखिए क्या आता है, ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जब एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। ठीक है, तो यानी कि अब हमारा जो एल डैश एम डैश एन डैश है, वो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी वी विल गेट डायरेक्शन कोसाइन विच इज एल डैश एम डैश एंड एन डैश। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन के ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू वन है। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन, दिस इज थ्री। पहला स्टेप कर लिया, और ये देखिए नॉट इक्वल टू वन, यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, डायरेक्शन रेशियो ही है। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, एल डैश क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट थ्री, यानी कि वन अपॉन रूट थ्री। ठीक, एल डैश एम डैश क्या हो जाएगा, बी अपॉन रूट थ्री, यानी कि वन अपॉन रूट थ्री, और एन डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन रूट थ्री, यानी कि वन अपॉन रूट। तो अब एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लीजिए, तो ये वन बाई थ्री हो जाएगा,
वन बाई थ्री, क्योंकि वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर वन बाई थ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी वन बाई थ्री हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी वन बाई थ्री हो जाएगा, यानी कि थ्री बाई दिस इज वन। ठीक है, अगर कोई लाइन दिया है इसका पोजिशन वैक्टर एक्स वन वाई वन जेड वन है और इसका पोजिशन वैक्टर एक्स टू वाई टू जेड टू है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन होगा। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। और डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन बनाना होगा, तो जो ये न्यूमरल वैल्यूज आएंगी उसके स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट से आप क्या करिए, तीनों में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मान लीजिए कोई वेक्टर आपका, एक वेक्टर है आपका ए और ये वेक्टर है आपका बी, ठीक है, और ये एंगल है थीटा। ठीक, तो आप जानते हैं कि बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे ये पूरा डिस्टेंस होगा। ओके, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड बी कॉस थीटा, बिकॉज ऑफ वी नीड दिस डिस्टेंस। अगर कोई वेक्टर बी दिया है तो उसका मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस वो इसका ये डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, उसी तरह ये वेक्टर ए है तो इसका मॉडुलस इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और आप जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ओके, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वेक्टर बी का वेक्टर ए पे पोजिशन है ये, यानी कि वी विल फाइंड दिस क्वांटिटी। ओके, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे, तो मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इज हाउ मच, दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ओके, बाय दिस मेथड वी विल गेट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इन अ सिमिलर मैनर यू कैन राइट दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। इन अ सिमिलर मैनर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज हाउ मच, दिस इज मॉडुलस ऑफ ए कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल ए डॉट बी ओवर मॉड बी। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन प्रोजेक्शन ऑन वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए डॉट प्रोडक्ट कीजिए और जिसका प्रोजेक्शन निकालना है उसके अपोजिट वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अगर ए का निकालना होगा तो बी से डिवाइड होगा, बी का निकालना होगा तो ए से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब हम अभी डॉट प्रोडक्ट पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, स्पेस में मान लीजिए आपके पास ठीक है ये दो लाइन है, इसको आप मान लीजिए ए बी, ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन। ठीक है, ठीक है, तो इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक हम यहाँ पे ये वेक्टर ले लेते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा होगा वही इन दोनों के बीच का, क्योंकि दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस एंड दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दिस, तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर
is same as the angle between these two lines AB and CD. Okay, I hope you will understand what I say. ठीक, इसको O मान लीजिए, इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पे AB का AB के करस्पॉन्डिंग जो ये OP मिल रहा है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, L M N है. ठीक है, और CD के करस्पॉन्डिंग L डैश M डैश N डैश है. ठीक है ना, तो फिर यहाँ से हम लोग प्रोजेक्शन OP का प्रोजेक्शन OQ पे कितना होगा. ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन वेक्टर OQ ये कितना होगा. ठीक है ना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. ये हो जाएगा एक्स एल डैश प्लस वाई एम डैश प्लस जेड एन डैश. ठीक है, ये हो जाएगा बिकॉज ऑफ मैंने बताया था कि इसकी मॉडुलस है. ठीक है ना, इसका मॉडुलस इसके ऊपर. ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो ये ओपी कॉस थीटा हमें निकालना है, तो ओपी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो ओपी डॉट ओक्यू और मॉडुलस ओ क्यू ये हो जाएगा. ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर ये दोनों डायरेक्शन कोसाइंस हैं तो आपके पास दो कंडीशंस हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन. इन अ सिमिलर मैनर एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर इक्वल टू वन. ओके, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसके इसका मॉडुलस कितना हो, आर. ठीक है, इसका मॉडुलस क्या है, आर, तो ये कितने के बराबर होगा, आर कॉस थीटा. ठीक है ना, हम अंडर रूट यहाँ पे अंडर रूट ओ क्यू की वैल्यू आपकी मॉडुलस ऑफ ओ क्यू कितना हो रहा है, अंडर रूट एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर, ये क्या है, चूंकि वन है तो इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है, नहीं तो ये आता इस तरह से, ये अपॉन अंडर रूट एल डैश स्क्वायर प्लस एम डैश स्क्वायर प्लस एन डैश स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज वन, सो आई एम नॉट राइटिंग दिस. ओके, अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को जरा कंपेयर करिए, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एल डैश प्लस वाई एम डैश प्लस जेड एन डैश. ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स बाई आर प्लस वाई बाई आर एल डैश और ये एम डैश और प्लस जेड बाई आर एन डैश. ओके, अब यहाँ पे एक चीज ये मैंने लिखा है, ये आपका एक्स वाई जेड है. ठीक है ना, तो यहाँ से ये एक्स वाई जेड है, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे वाई एक्स एक्सिस पे ये एक्स है, वाई एक्सिस पे वाई और जेड एक्सिस पे जेड डिस्टेंस है. ठीक है, और मैंने बताया था कि ये आर की वैल्यू जो होगी, ये आर जो होगा, ये आर इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ये आप जानते हैं. ठीक है ना, तो फिर यहाँ से एक्स बाई आर कितना होगा, एक्स बाई आर ये आपका हो जाएगा एल. ठीक है, और ये एल डैश हो जाएगा. वाई बाई आर क्या हो जाएगा, ये एम और ये एम डैश है. और जेड बाई आर क्या हो जाएगा, एन और ये क्या है, एन डैश. तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने बताया था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर ये लाइन ओपी बना रहा होगा तो ये एक्स एक्सिस से अल्फा कोण, वाई एक्सिस से बीटा कोण और जेड एक्सिस से गामा कोण. और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एक्स बाई आर, कॉस बीटा की वाई बाई आर और कॉस गामा की जेड बाई आर. ओके, तो उसके हेल्प से मैंने यहाँ पे एल एल डैश प्लस एम एन डैश प्लस एन एन डैश हमने लिख दिया. ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉस थीटा हुआ. ओके, इन अ सिमिलर मैनर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा. आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अब वन को देखिए, वन को हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं, ये एल स्क्वायर
एम स्क्वायर ठीक है, और इसको एल डैश स्क्वायर एम डैश स्क्वायर एन डैश स्क्वायर ओके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश का होल स्क्वायर ठीक है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आती है एम एन डैश माइनस एन एम डैश ठीक है का होल स्क्वायर प्लस एन एल डैश माइनस एल एन डैश होल स्क्वायर प्लस थर्ड आपका एल एम डैश माइनस एम एल डैश होल स्क्वायर ओके। दिस इज द फॉर्मूला ओके। अब यहाँ से साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा है, ये आपका कॉस थीटा है, तो इना अब हमको टेन थीटा निकालना चाहें, तो देखिए यहाँ से जरा टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी स्क्वायर रूट ऑफ एम एन डैश माइनस एन एम डैश होल स्क्वायर प्लस एन एल डैश माइनस एल एन डैश होल स्क्वायर प्लस एल एम डैश माइनस एम एल डैश होल स्क्वायर ओके अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू आप जानते ही हैं, ये होता है एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश ओके कॉस थीटा की वैल्यू साइन बाई कॉस ये निकल गया। तो ये जो थीटा है वो दोनों लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा। अब देखिए लाइन पैरेलल कब होता है और परपेंडिकुलर कब होता है ठीक है। परपेंडिकुलर के केस में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 90 और 10 90 क्या होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकते हैं, और ये पूरी क्वांटिटी को हम मान लेते हैं ये क्या है ए है, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है बी है ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए बाई बी के फॉर्म में ठीक है। तो ये आपका यहाँ से बी इक्वल टू हाउ मच, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते बी इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक है। और बी कितना था, बी आपका एल एल डैश प्लस एम एम डैश प्लस एन एन डैश इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गया जबकि लाइन क्या हो परपेंडिकुलर ओके। अब देखिए इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, अब लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री होगा ठीक है 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे टेन 0 कितना होता है 0 होता है, और ये बराबर हो जाएगा ए ओवर बी के, यानी कि यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ए क्या है आपका अंडर रूट में, इस ये क्वांटिटी है तो स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से आ जाएगा एम एन डैश माइनस एन एम डैश होल स्क्वायर प्लस एन एल डैश माइनस एल एन डैश होल स्क्वायर प्लस एल एम डैश माइनस एम एल डैश होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए कि स्क्वायर क्वांटिटीज़ का सम 0 कब होगा, चूंकि ये नेगेटिव तो कभी होने नहीं है, हमेशा इनको पॉजिटिव रहना है, तो ये 0 कब होगा जब तीनों इंडिविजुअली 0 हों, यानी कि दैट इज एम एन डैश माइनस एन एम डैश इक्वल टू 0 ठीक है। यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो एम एन डैश इक्वल टू एन एम डैश ठीक है। तो आप एम डैश को नीचे ला दीजिए तो एम बाई एम डैश इक्वल टू एन बाई एन डैश ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, ये भी क्वांटिटी के साथ ऐसा ही होगा एन एल डैश माइनस एल एन डैश इक्वल टू 0, तो n ओवर n डैश इक्वल टू l ओवर l डैश ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n बाई n डैश इक्वल टू m बाई m डैश इक्वल टू
एल बाई एल डैश, ये कहाँ से हुआ है, बाई वन एंड टू। ठीक है, तो जब जब दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो क्या होगा, पैरेलल हो सॉरी रेशियो इक्वल होगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, कल हम लाइन और स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।